नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। आज दिल्ली के जनता मंत्र पर मौजूद है हम, जहां बीजेपी का मौन उपवास चल रहा है दिल्ली सरकार के खिलाफ। तस्वीरें मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगी कि वो सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाएं कि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता यहाँ पर मौजूद है। हालांकि देखिए, बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर मौजूद है, विजय गोयल जी, उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन मौन उपवास है तो 4 बजे तक के लिए उन सभी ने मना कर दिया है कि 4 बजे के बाद जो है बातचीत करेंगे। लेकिन देखिए, मसला ये है कि दिल्ली सरकार की शराब को लेकर जो नई नीति बनाई गई है उसके खिलाफ आज बीजेपी अपना धरना प्रदर्शन दे रही है, मौन उपवास कर रही है। क्योंकि साफ तौर पर बीजेपी का कहना है, विजय गोयल जी का कहना है कि जिस तरह से दिल्ली में नीति बदल दी है शराब को लेकर और कह दिया गया है कि 21 साल तक के बच्चे अब शराब पी सकेंगे, यानी 21 साल के अगर आप हो गए हैं तो उससे आप शराब पी सकते हैं। तो साफ तौर पर इनका ये कहना है कि क्या 21 साल के बच्चों ने या फिर किसी भी उम्र के बच्चों ने इनसे डिमांड की थी कि हमें शराब पीनी है, तो आप एक एज लिमिट जो है वो तय कर दिया। क्यों दिल्ली सरकार शराब के लिए बढ़ावा शराब को इतना देती नजर आती है? क्यों दिल्ली सरकार शराब को लेकर ही नीति बदलती है? लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, सवाल ये भी उठता है कि दिल्ली से सटे जो राज्य हैं, आसपास के पड़ोस के यूपी, पंजाब, वहाँ भी शराब की जो लेकर नीति बनाई गई है, नियम बनाए गए हैं, वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जैसे ही नियम है। दिल्ली में भी जो नियम बनाए गए वैसे यूपी में, फिर क्यों जब दिल्ली सरकार ऐसे नियम बना रही है शराब को लेकर तो बीजेपी को क्यों उससे आपत्ति हो रही है? तमाम सवाल हैं लेकिन जवाब अभी नहीं मिल सकता, क्योंकि ये लोग मौन उपवास पर हैं। इन्होंने मना कर दिया, अभी बातचीत नहीं करेंगे। दिल्ली से कैमरामैन सरताज के साथ पारुल त्यागी, जनता मंत्र।